हाय गाइस, सुनील शर्मा है। फाइनली मैं जा रहा हूँ कानपुर। फ्लाइट मेरी है इधर ही खड़ी हुई है। एंड पहला बच्चा है हमारा, मेरा और समा का। खुश हूँ, मैं मुंबई से जा रहा हूँ। वो 2 महीने से कानपुर में ही है समा। बहरहाल वक्त आ गया है, 2 दिन के बाद घर में एक नया मेहमान आने वाला है। मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ जो भी है, बच्चा है बच्ची, खुश हो और सेहतमंद हो, साथ में समा भी सेहतमंद हो। होप सो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हमें इंतज़ार काफ़ी था। शादी को 4 साल हो गए, बेबी प्लान करने का वही तो खैर नहीं इरादा था, लेकिन यह कि जब लोगों का, फैमिली का इतना प्रेशर था कि हमें करना ही पड़ा। जो भी, आने दीजिए, वेट कर रहे हैं हम लोग भी। एक्साइटमेंट ये है कि थोड़ा सा नर्वसनेस भी है ना, एक्साइटमेंट भी है, देखते हैं क्या होता है। गाइस, बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग बढ़ रहे हैं स्पाइस जेट की फ्लाइट। संख्या नहीं पता मुझे, बढ़ रहे हैं। तो बैठने के लिए सीट भी कंफर्म है, मेरी ए सीट है, तो इट मीन्स हो सकता है विंडो सीट हो। होप सो विंडो सीट ही मिले, बादल देखने को मिलेंगे। सकलौंडा हूँ, कोई भी लड़की है बाहर में जाए, बीवी होती तो कोई बात नहीं। गाइस, मैं बैठ चुका हूँ अपनी फ्लाइट पर, देख रहे हैं। एंड मेरी सीट मिल गई है, विंडो सीट है, आई एम हैप्पी यार। परसों बच्चे की डिलीवरी है, और बस खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस मैंने आपको पहले बताया था वो भी है। होप सो सब बढ़िया ही। कह नहीं सकते आप कैसे संभालेंगे बच्चों को, हमेशा से है सब कुछ। जब आपके साथ में नया होता है देन उसके बाद आप सीखते हैं। मान ली एक दिन से गल मिल चुका है भाई, हम टेकअप करने वाले हैं, हवा में जाने वाले हैं। हेलो गाइस, समा खान, सुनील शर्मा। तो समा सुनील की लव स्टोरी में आ चुका है, बहुत अच्छा वाला। कल का जो सफर शुरू हुआ था मुंबई से कानपुर तक का, अच्छा सफर था। बाई गाड़ी आए, देन यहाँ पर रुके, सारी प्रोसेसिंग जो प्री प्रोसेसिंग होती है। पहले तो मैं पहले से थी, ये आए फ्लाइट से मुंबई से कल, और उसके बाद आज हम लोग लास्ट अल्ट्रासाउंड कराया, और कल फाइनली वी आर। मन तो हो रहा है, पता लग गया कि कौन आ रहा है, लड़का है लड़की, दंडनीय अपराध है, नहीं डाल सकते यहाँ पे लिखा हुआ। और एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाएगी, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। वैसे वी वांट तो दोनों के लिए कपड़े ले लिए है ना, बट वी वांट गो। हां, लड़की चाहिए, आ जाती है, लक्ष्मी आएगी तो अच्छी बात है, बट देखते हैं होपफुली क्या होता है। और वो भी है, लेकिन ये है कि स्वस्थ है। कल फाइनली आपको 3-4 बजे शाम को अपडेट मिलेगी क्या आया और कैसे आया। नहीं तो इसके अलावा नहीं है कि ये खान पान का हिसाब किताब सही से रखना पड़ेगा। 2 दिन पहले ही उल्टिया, ये पता नहीं क्या चल रहा है, चल ही रहा है, पेट का हिसाब कितना खराब है। और कल से लेकर परसों तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि मुझे बताया गया है। कल सुबह मुझे जो भी खाना है खा लूंगी, उसके बाद मुझे परसों सुबह कुछ पीने को नहीं मिलेगा, पानी तक नहीं मिलेगा। कल ही आ जाएगा वो तो, बट मुझे खाना पानी कुछ भी नहीं मिलने वाला परसों को। नहीं मिल जाएगा सर, नहीं मिलता है, कितना 2 दिन के कहोगे ना, नहीं पूरा खाना। अरे तुम्हारी बात इनको नहीं पता, कैसे नहीं देखा चले। और खुद तो बेबी में इतना बिजी हो जाएंगे कि मैं ध्यान नहीं रखूंगा। नहीं नहीं, मैं 2 दिन रुकूंगा यहाँ पर, उसके बाद जाना है। 2 दिन तो मैं बच्चे के लिए रुकूंगा, उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी बुलाना है। इतना ज्यादा शूट बिजी है कि 2 दिन पहले आए, मतलब कल आए हैं, कल मुझे दिए और 2 दिन बाद फिर जाना है। पैसा उसी के लिए कमा, थोड़ी है कि मतलब अपने लिए कमा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं।
बोलो। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि अभी हम लोग यहाँ अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसके बाद हम 4 बजे तक जा रहे हैं अपने प्री बेबी फोटोशूट के लिए। बेबी मम के साथ हम फोटोशूट कराने वाले हैं। आज ही टाइम मिला है कैसे? क्योंकि कल ऑपरेशन है, तो फिर हम वैसे कल परसों हमारी शूटिंग है, पर शूटिंग छोड़ कर त्याग करके मैं काम को कभी त्यागता नहीं। इसके लिए मुझे त्यागना पड़ा, अपने बच्चे के लिए त्यागना पड़ा, उसको वेलकम करने के लिए मुझे जाना पड़ा। नहीं आता तो दिमाग खराब। खुद भी एक्साइटेड थे, ऐसा नहीं है, मेरे डर की वजह से नहीं है। और मुझे देखना भी था। और प्री वेडिंग, प्री वेडिंग तो शूट नहीं कराया। और 4 बार शादी कर लूँ? 4 साल हो गए, 4 बार नहीं, 4 साल हो गए। और प्री वेडिंग शूट तो हमारा नहीं हो पाया था, पर प्री बेबी शूट हमें जरूर कराना था बेबी रूम के साथ, जो मार्च कराने वाले। हमने अपने फोटोग्राफर से इसी कैमरे से बहुत अच्छा मारा था, मैंने अच्छा किया था। उसके जो शूटिंग की वीडियो मैंने डाल रखे सब देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो ये वीडियो मेरे चैनल पे भी डालने वाला है, समर खान पे भी, सुनील क्राइम पेट्रोल पे भी जाने वाला है। शर्मा है, आप सुनील शर्मा क्राइम पेट्रोल शूटिंग डालोगे तो मिल जाएगा। हाँ, तो चैनल मेरे चैनल पे भी ये वीडियो देखेंगे, इनके चैनल पे भी देखेंगे। और प्री वेडिंग बार बार वेडिंग क्यों निकल रहा है, हम करेंगे दोबारा शादी। हाँ, बच्चे के साथ करेंगे। हाँ, हम करेंगे, बट अब डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे गोवा जाके, बच्चा भी होगा हमारे, करेंगे बहुत खर्चा करें, मतलब कमा लेते हैं। बाप तो हमारे अम्बानी, पहले कमा लेते हैं फिर खर्चा भी कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं बहुत फिट एंड फाइन हूं, हेल्दी हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक्साइटमेंट इसलिए यार कि क्या आएगा, लगा लड़की करवाने को तभी आज ही मालूम पड़ जाएगा लगा लड़की। ये देखो, ये अंदर है, बंद है, ये बोल रहा है कि निकालो इसको, कल ही खुलेगा और पता चलेगा क्या होगा। आई वांट बेबी गर्ल, बट सब लोग बोल रहे हैं बेबी बॉय, क्योंकि जितने 90% मेरे रिश्तेदार हैं सारे यही बोल रहे हैं, बट जितने लोग सोनोग्राफी है बच्चे से पहले की, उसके बाद पता नहीं कैसे संभालेंगे। बच्चे रोते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भाई, हंसते बहुत अच्छे लगते, अपना आएगा तो रोता हुआ अच्छा लगेगा। मैं देखता रहता हूँ, देखता किसको, मतलब कैमरे में मुझे देखो तो आपकी आई एंगल की तरह साला भेड़े नजर आते हैं, तो मैं तीसरी अटका जा रही हूँ भाई, तो मैं कहना चाह रही हूँ ऐसे जेड़ा कैमरे में मुझे यही होता है। और कल जब तुम भयंकर सुंदर लग रही, कुछ भी कह लो तुम्हारी सुंदरता कोई असर नहीं, ये है ना मेरा ब्रांड। और कितनी कैसे लग रही है, मेरा अलग से कुछ भी देखो, तकिया के लगा के लग रही है, ये लग हमारा फोटो शूट डन हो चुका है, हम लोगों ने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ निकाले थे, ये बहुत अच्छा फोटो शूट हुआ है, ये देख सकते हैं। मोती झील कहते हैं, पीछे देखिए झील नजर आ रही होगी, ये देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर अच्छे अच्छे फोटोग्राफ आए, अभी हाल ही फिलहाल में बनाए।
कानपुर में बड़ी अच्छी जगह। नहीं नहीं, मोदी झील बहुत पुराना है, बट इसको रिनोवेट किया गया। अरे विवेकानंद जी तो पुराने भी आए हैं। हाँ, वो ये मेरा बेबी बम देख सकते हैं, ये मेरा भी देख सकते हैं। हम दोनों का बेबी बम है, पर कल यहाँ से तो बेबी निकलेगा। बेबी बम से यहाँ बम निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। और कल की अपडेट भी आपको दे देंगे, सुबह 10:30 पे होपफुली मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। देन 12:00 की टाइमिंग दी है डॉक्टर ने। अभी फ़ोन ये पकड़ेंगे बिकॉज हाँ, ये देखिए फैमिली में जा रही है हमारी माँ, हमारी सासू माँ, और ये इधर वाले चलिए लिया। ये देखो ये हमारी सालियाँ छोटी छोटी, 1, 2, 3 चौथी कहाँ भाग गई, चौथी कहाँ भाग गई। वो देखो एक वो इधर फैमिली मेरी, एक वो भाग के आ रही है, भागी रही है एक ये भाग के आ रही है, ये पार्टी हो रही है। ये देखो ये पार्टी अलग करती रहती है। हाँ। और वो उधर ताऊ जी हमारे वो उधर रहे। आज फैमिली पिकनिक था। हाँ अरे हाँ, ये को रह गई है, आ रही आराम आराम से। आहा झूलते बोल चुके हैं कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, बेबी के साथ हूँ, तो मैं बहुत धीरे चलती हूँ अभी। तो ये पुरानी वाली मुझे सोच रहे और मेरे को सुंदर से लग रहा है दोनों। हाँ, सुंदर से लग रहा है। कितने लग रहे हैं देखो, ये गेट आ गया है, ये हमारा गेट आ गया। ये रही बड़ी मम्मी जी, ये रही जूही, ये रही सासूमा जी, ये रही छोटी साली जी, ये रही इससे बड़ी साली जी। ये पता नहीं कौन सी साली है, छोटी है बड़ी है, कितनी बड़ी है पता नहीं चल रहा है। और तैयारी में समा खान जी, अरे रुको रुको रुको, समा खान तैयार है, और उनकी पब्लिक तैयार है, पब्लिक तैयार है सब। लोग सब जाते हुए, हमारी कार रेडी, ये हमारा रथ रेडी है, हमारी कार रेडी है। हेलो, दरवाजा बंद करना, दरवाजा बंद करो। ये मिस्टर प्रिंस है, क्या रॉक आदमी है। और हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलो हम जा रहे हैं। वो फ्रंट कैमरा नहीं लगेगा, तो बैक लगा देगी, तो बैक ही लगा ये हॉस्पिटल का माहौल है, आप देख रहे होंगे मई जी और साथ में भाव जी। अभी सारा ट्रीटमेंट के लिए आएगा, सारे डिटेल्स चेक किए जा रहे हैं।
घाट वाली हंसी है। बड़े पापा, बड़े पापा कहाँ हैं? ओके फाइन, सब लोग रेडी हैं। ये हमारे बड़े पापा हैं, इधर फुल मूड में हैं। जाओ, डॉक्टर रेडी हैं। फाइनली वेट कर रहे, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने पहली बार देखा है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारे में धर्मों के जो निशान होते हैं, पवित्र तो निशान, वो लगाए गए हैं। आप वो दिख नहीं रहा होगा, अभी थोड़ी देर में देखेगा। ये आ गई है राजकुमारी जी हमारी। अरे ये देखो, ये थी हमारी राजकुमारी। बेटू देख रही है क्या है, कौन है, कहां कहां से आ गए लोग। बेटू ये लो, ये देखो लो भाई नानी, अरे हंसी रही है अभी से, इसीलिए तुम मचा रही थी आने के लिए बाहर हो। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना? हाँ, बिट्टी आ गई ना, क्यूट है, बिट्टी आ गई ना, क्यूट, बहुत क्यूट है। हम लोग बिट्टियाँ चाहिए थी, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। मेरी तरह मेरे किधर तो सब जो लोग लड़का बोल रहे थे सबको डांट दो। मैं डांट दिया, मैंने लव स्टोरी, और आई होप सबको पसंद आएगी।